सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दोबारा से आ चुका हूँ एक न्यू गेम के साथ। तो आज जो है ना, हम लोग खेलने जा रहे हैं फार क्राई 5। और आज की ये वाली जो स्टोरी होने वाली है ना, इस गेम की एक कुछ ज़्यादा ही तगड़ी होने वाली है। इसलिए तो आज जो है ना, हम लोग आ चुके हैं पुलिस वाले बनकर इस गेम के अंदर। नहीं, हमारा ये कैरेक्टर ही पुलिस वाला है, ठीक है। और हम जो है ना, गैंगस्टर की लुक, मतलब गैंगस्टर के मेम्बर और गैंगस्टर का जो लीडर है उसे उठाने आए, क्योंकि उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट निकला है जो कि है किडनैपिंग और मर्डर। बट किडनैपिंग का तो हम लोग को पता है, बट मर्डर उसने किया है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं। उन लोग की बहुत ही ज़्यादा फट रही यार उन लोग को पकड़ने जाने, क्योंकि भाई सिर्फ 4 लोग आए यहाँ पे और एक पायलट जो कि हेलीकॉप्टर में आया वो, ठीक है, 5 लोग। बट वो क्या करेगा, हम लोग सिर्फ 4 लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। बट इन लोग की इतनी ज़्यादा फट रही है भाई, गेट खोलने में भी भाई इन लोग को। सो फाइनली गाइज, इसके फटने फटने से रह रही है यार, ये लोग गेट ही नहीं खोल रहे हैं। अरे यार खोल ले भाई, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं होगा भाई, अपन पुलिस वाले फिर भी भाई, कैप्टन कह रहा है भाई खोल लेते, बट ये नहीं खोल रहे टोपी वाला भाई सब, ये हैट वाला नहीं खोल रहा। चलो भाई, इसने इसको समझा दिया, तो फाइनली भाई डोर ओपन कर ले यार। चलो भाई फाइनली, कम से कम लड़की भी भाई डर रही है बहुत ज़्यादा ही। चलो भाई अंदर है भाई, ये रामीन भाई कौन है, चलो देखते जल्दी से। ओ भाई भाई साहब कुछ तो बता रहा है वो अपने गैंगस्टर को, कुछ तो स्पीच दे रहा है वो, मेरे को ऐसा लग रहा है यार। चलो देखते हैं भाई क्या होता है आगे। ये लोग जा तो रहे, बातचीत हो रही है भाई गैंगस्टर के मेंबर से। ओ भाई साहब कुछ तो वो स्पीच दे रहा है यहाँ पे कसम से भाई, बहुत ही भाई, मतलब ये सीन है ना इतना तगड़ा हो रहा है ना यार। और जो मेन गैंगस्टर है वो सारे आगे बैठे, गैंगस्टर नहीं है सारे। ओ पी भाई साहब, ये बहुत ही तगड़े लोग हैं यार भाई। ये देखो US मार्शल आ चुका है भाई, ये समझा रहा है भाई, देख भाई तेरे नाम पे अरेस्ट वारंट निकला है। ओ पी भाई साहब ये कह रहा है कि भाई ये देख ले, और ये भी भाई हेड वाला भी कह रहा है, बट ये कह रहा है अच्छा ठीक है, सब समझ आ रहा है मेरे। ओ भाई भाई साहब यहाँ पे थोड़ी बातचीत थोड़ी बिगड़ रही है, ओ तेरी की भाई बातचीत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और इनके बंदे आ रहे हैं भाई, कह रहे हम लोग को ले जाने ही नहीं देंगे इसको, तेरी की बहुत ही गंदा सीन हो रहा है भाई इस वाले वीडियो में भाई साहब, बहुत ही तगड़ा भाई। ये लोग कह रहे भाई तुम लोग हाथ तो लगा के देखो, फिर हम देखाते हैं क्या करने वाले हम लोग। ओ तेरी की भाई, अच्छा ठीक है चलो। ऐसा फाइट होने वाली है क्या यहाँ पे? शिट भाई, आराम से बात बन जाए तो बहुत सही सीन हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे पता है हम लोग जैसे इसे लेके। ओ पी आ रहा है भाई, कैप्टन आ रहा है, सॉरी गैंगस्टर आ रहा है भाई। ओ तेरी की यार, चलो देखते हैं क्या होता है। समझा रहा है अपने बंदे को भाई, नहीं कुछ नहीं होगा, उसका पीछे जाओ, उसका भाई है ठीक है, मतलब इसकी पूरी की पूरी फैमिली है यहाँ पर, बट फैमिली में सिर्फ ये चारों भाई बहन है। ये देखो भाई पीछे 3 भाई और 1 बहन है, और ये कह रहा है भाई जाओ तुम लोग बाहर, मैं देख लूँगा इन लोग को। ओ भाई ये टकला क्या ही खतरनाक तरीके से देख कर गया है भाई। चलो सारे के सारे गए बाहर, अभी कुछ तो प्रे कर रहा है, कुछ तो बकबक कर रहा है यार ये। चलो भाई इस तरह चल आ जा भाई, तू मेरे को लेके चल भाई, चल जल्दी से हथकड़ियाँ लगा जल्दी भाई। आई मेरी भी थोड़ी थोड़ी फट रही है, पता नहीं कुछ अचानक से क्या ही कर दे। अरे गैंगस्टर है, अगर कहीं से भी चाकू निकाल के पम्प से जाएंगे हम लोग फिर। चलो फाइनली लगा दिया है, और ये लेके चलो भाई बाहर भाई, पीछे से कोई मस्त ना ठोक दे यार, बहुत गंदा सीन हो जाएगा वरना। ओ पी ए किया डोर ओपन भाई साहब, ये देखो यार, ये मेरे को लग ही रहा था भाई कुछ ऐसा ही होगा। ये देखो आगे उनके बंदे आगे, बट हम इसे लेके तो जाएंगे आज। ओ भाई साहब देख रहे हो यार क्या ही भाई, गन्स देखो यार, डायरेक्ट लॉन्चर पकड़ के रखा हुआ है उसने हाथ में तेरी की। भाई अपना बुड्ढा आगे आगे चल रहा है, उसके आगे भाई US मार्शल है, उसके बगल में भाई साहब अपनी कैप्टन, सॉरी कैप्टन की जो भी हो पता नहीं क्या है, बट है पुलिस वाली OP। ये सब इन लोग ने किडनैप करके रखा है क्या, ये देखो भाई क्या ही नमस्ते कर रहा है। ओहो लग तो रहा है इन लोग को अपने वश में किया है इसने, मुझे ऐसा लग रहा है।
ओपी, सारे लोग इसको ही पूछ रहे, भले ये गैंगस्टर हो, इसने पकड़ के लाया हो, बट फिर भी ओपी। अबे 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 शूट कर रही है भाई, ओपी भाई। चलो भाई हेलीकॉप्टर में डालने का टाइम आ गया इसको। ऐसे इसकी पीठ पे क्या ही खड़ोचा हुआ है भाई साहब, कितना गंदा भाई, टैटू ही टैटू है इसके बॉडी पे। ये रो रहा है क्या शायद से? ओपी भाई क्या ही गंदा मारा भाई मार्शल ने इसको। ओहो ओहो क्या ही भाई साहब इतने, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है भाई। ये लोग क्या ही गंदा झूला झूला रहे हैं इसको, हेलीकॉप्टर को। ओ तेरी की, ओ पी बहुत गंदा जाने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है। गया गया भाई, हेलीकॉप्टर राउंड राउंड होने लगा है। ओ शिट 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 शिट, ओ नो भाई बहुत गंदा सीन यार। ओ तेरी की, ओहो भाई कई सारे के सारे टपक ना जाए फिर तो और भी गंदा सीन होगा, बट ये स्टोरी का एक मेन पार्ट था। ओपी ये सारे के सारे उठ चुके हैं, सारे के सारे का तो नहीं पता, बट वो कहाँ गया, वो भाग गया क्या? ओ तेरी की, ओ भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है वो भाग चुका है, उसके गैंग वाले आके उठा के लेके गए लगता है उसको, क्योंकि हेलीकॉप्टर ज़्यादा दूर तक नहीं निकला था यार। चलो भाई उठ जाए यार, भाई अपना कैरेक्टर उठेगा पहले तो, क्योंकि अपन ही है मेन कैरेक्टर इस गेम के भाई साहब। यूएस मार्शल, चलो भाई ये है ना हेडफोन लेने की कोशिश कर रहा है, ये लिया इसने हेडफोन। ओपी ये हाथ कौन मार, ओ भाई ओ तेरी की भाई, ये भी यहीं पे था, हम लोग को प्रवचन दे रहा है, कह रहा है कि भाई अभी देखो मेरे गंदे आएंगे और फिर मेरे को उठा के लेके जाएंगे, और आ भी गए। ले भाई ले, मेरे को पता ही था क्योंकि हेलीकॉप्टर ज़्यादा दूर तक निकली नहीं थी, उन्हीं के बंदे ने हिला हिला कर पूरा, सॉरी मतलब ये क्या कहते हैं, पूरा हेलीकॉप्टर को रोस्ट कर दिया था यार इन लोगों ने भाई सब, क्या ही बोलूं। ये तो क्या, ओ शिट भाई ये कह रहा है इनके हेलीकॉप्टर को उल्टा पुल्टा करके जला दो। ओ शिट, ओ भाई भागना पड़ेगा, शिट भाई साहब, ओ तेरी की ये जल्दी भाग। ओ शिट बता रहे इन लोग को ऐसा ऐसा करना है फिर। अबे अबे शिट शिट भाई शिट, जल्दी 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 भाई साहब, सारे के सारे आ गए भाई। ओ शिट भाई ये तो भाग चुकी है भाई, मार्शल भी भाग रहा है। ओ पी ये जल चुका है भाई साहब, जला दिया इन लोग ने आधा भाई, मार्शल भी भाग गया। अब मैं क्या करूँ, भाग गए भाई जल्दी 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 जल्दी, क्या कर रहा है वो पी, निकाल निकाल निकाल। ओहो अपना कैरेक्टर भी उतर चुका है नीचे, और अपने कैरेक्टर का नाम है जैक भाई, अपने जैक नाम है इसका। चलो भाई साहब भाग ले। अबे ये क्या बात हुई बे, जैसे ही हम कूदे वैसे हमारे पर गोलीबारी होने लगी इसकी, तो स्केप तो कर जाऊँगा मैं यहाँ से, इतना पता है। अगर वो लोग हमारा पीछा ना करें तो, अगर वो लोग पीछा करेंगे तो हम लोग बहुत ही गंदा तरीके से, वो लोग गोली चलाने वाला, और हमारे पास अभी शायद से गन भी नहीं है, एक पिस्तौल पड़ी होगी बस गन के नाम पे। ओपी आग तो चल रहा है, बट लगता है कोई तो था यहाँ पे, उनके गैंग के बंदे होंगे, बट अभी आगे चलते हैं फटाफट से। आग तो है यहाँ पे लगी हुई, ओपी लेक पार करके जाना पड़ेगा भाई साहब। अब मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँ, किसको ढूंढूँ, कहाँ पे कहीं छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई पहले तो। और मार्शल भी भाग के गया है, वो पता नहीं कहाँ जाएगा। और एक और कैरेक्टर है वो गर्ल, उसका नाम क्या है वो पता नहीं मेरे को, बट अभी चलता है फटाफट से भाई। ओपी भाई माउंटेन तो दिख रहा है मेरे को यहाँ से, बहुत ही तगड़ा सीन है यार भाई, बिल्कुल ग्राफिक्स तो एकदम GTA 5 जैसी है, बट उससे तगड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी तगड़ी, बट GTA 5 का तो मूड्स डालते हैं वो और तगड़ा हो जाता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है यार भाई साहब। मतलब अभी क्या करे क्या करे अभी भाई, किसको ढूंढे। ओपी मिल चुका है भाई साहब, ये रहा लोकेशन आ चुका था भाई, पर मैं जा रहा हूँ अभी, शायद वहाँ पे मार्शल है मेरे ख्याल से, और अगर मार्शल नहीं हुआ तो बहुत ही गंदा सीन हो जाएगा भाई साहब। ओपी एक काम करते, नीचे से नहीं ऊपर से जाते, चलो ब्रिज पे से जाते हैं ऊपर जा रहे। अबे स्लाइड हो रहा है ये तो, चलो भाई अभी जो है ना भाई, वहाँ पे अगर मार्शल नहीं हुआ और अगर बंदे हुए, या तो फिर वहाँ पे कुछ भी मतलब एकदम मस्त स्टोन स्टोन हुआ तो बहुत ही गंदा सीन हो जाएगा, और अगर मार्शल हुआ तो ठीक ही है, फिर वहाँ से भी हम लोग स्केप कर जाएंगे कहीं और, क्योंकि जंगल में वो लोग हमें ढूंढने तो आने वाले हैं।
क्योंकि अभी हमारे टीम में सिर्फ दो मेंबर है, एक है मार्शल और एक है हम। ओपी कौन है भाई यहाँ पे? ओहो कोई तो नहीं। अबे 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 ये तो मार्शल है। ओ भाई बे भाई साहब तू थोड़ा सा पागल है क्या? क्या ही कर रहा है भाई? ओ तेरी की भाई साहब, सिस्टम हैंग हो चुका है। बट अभी जो है ना ये कह रहा है कि भाई मेरे को रहने के लिए यहाँ पे जगह तो मिल गई छोटी सी, बट वो लोग वहां से आने वाले हैं। देखो ये रहा बेड, बट यहाँ पे आज रात तक तो हम लोग रुक जाएंगे। बट ओ तेरी की, चेक कर रहा है वहां से। ओहो भाई साहब यहाँ पे कुछ चेक किया आपने? रुको अभी बता दो यार। ये देखो यहाँ पे इसकी फैमिली की फोटो भी लगी हुई है। मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ पे रहते थे आई थिंक, बट वो अभी गैंगस्टर बन चुका है। वो तेरी ये रही इसकी फोटो भाई साहब। भाई गाली दे रहा है ये तो भाई। वो तेरी की, ये देखो मैंने कहा था उसके, बट हमने हमको जिसको उठाना था ना वही था उस गैंग का सबसे बड़ा लीडर और मतलब गैंगस्टर जो भी हो। ओपी एक गन हमको दे रहा है, ओपी सही है भाई। कम से कम गन होगा और वो खुद पिस्तौल ले रहा है भाई साहब। कैप्टन है, कैप्टन जैसा रहेगा। चलो भाई साहब बट अभी चलते हैं। आई थिंक अभी हम लोग बंदे से निपटने वाले मेरे ख्याल से। ओ भाई साहब बंदे ने गोली वाली करना शुरू कर दी है तेरी की। अभी बताता हूँ तुमको भाई साहब, ये मार्शल कहाँ गया बे? ये तो गाड़ी निकल निकल रहा है भाई, बुला रहा है बट्टाफट से जाते हैं, क्योंकि अभी हमें फाइट नहीं करना। अगर हम फाइट करेंगे तो पहले से बहुत ज़्यादा डैमेज है हम लोग, और हमारे पास मेडी भी नहीं है। तो चलते हैं भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी से कार के अंदर फिर भगाते हैं। फिर ये लोग भी हमारा पीछा करेंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। गाड़ी तो उन पर नहीं थी शायद, शायद नहीं थी। ओह आगे से बंदा आया, ले भाई बहुत सही दिया। पीछे से कोई आ रहा है क्या? आई थिंक कोई तो आ रहा है पीछे से, मेरे को ऐसा लग रहा है। पीछे से कोई कोई भी नहीं आ रहा। ओह वो कार का साउंड था। और यहाँ पे भाई साहब हिरन भी है बहुत सारी भाई, एकदम मतलब गेम तो बहुत ही सही है। चलो भाई साहब फार क्राई 5 भाई, बहुत दिनों के बाद। ओ भाई इन लोग ने तो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर रखा। ओ भाई चलो कोई नहीं, बट हम कैसे भी करके निकल चुके हैं। अब ये लोग पक्का पीछा करने वाले क्योंकि इन पे गाड़ी भी है। ओ शिट अब देखो ओपी ये तो गया। अरे नहीं 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 बहुत सारे लोग हैं भाई। देखिए गाड़ी ठोक रही है ये कहाँ कहाँ पे, मुझे नहीं लगता। अच्छा लो एक तो गया भाई। अगर मैंने ड्राइवर को मार दिया ना तो बहुत सही हो जाएगा, बट इसका एम नहीं जा रहा अच्छे से यार। गाड़ी कुछ ज़्यादा ही वो डिसबैलेंस हो रही है भाई साहब जी। भाई पीछा करे जा रहे यार ये लोग लगातार भाई, मतलब मैं क्या करूँ। गाड़ी तो ये चला रहा है, इसको करना चाहिए। और ये गन भी चला रहा है भाई, हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए। ओ भाई भाई फायर देख रहा है, क्या ही रियलिस्टिक है भाई साहब। ओ तेरी की, इसको इसको पहले ख़त्म करो यार, ये कुछ ज़्यादा ही फट रहा है यार भाई। भाई यार ये एम नहीं जा रहा भाई अच्छे से, क्या करूँ मैं? अबे तो गाड़ी भी इतनी ज़्यादा, आगे से बंदे पीछे से बंदे, क्या ही करूँ मैं? कोई नहीं भाई। ओ तेरी सिस्टम हैंग भाई, हम लोग बच भी पाएंगे कि नहीं यार? ओ तेरी की भाई गेम तो बहुत सही है, बस एक बार है ना स्केप कर जाए इन लोग से, फिर उसके बाद आगे चल के देखेंगे क्या करना है। भाई पकड़ के तो लेके जाएंगे उसे ज़रूर, क्योंकि भाई इसने इतना बड़ा कांड कर दिया ना, क्या ही बोलूँ। चलो ये तो गया भाई साहब। ओ बे गायों को ठोक रहा यार, क्या कर रहा है बट अभी क्या करे? ओ तेरी ऊपर देख रहे भाई फाइटर जेट भी आ चुका है। ओ तेरी की भाई साहब, शायद हम लोग ने फाइटर जेट को ठोक दिया, बट अभी पे कितनी जगह पे रोड ब्लॉक है भाई। चलो कोई नहीं, बट हम लोग ने स्केप तो कर लिया आई थिंक। ओ नो एक और है, एक और ले भाई, ये भी गया। चलो ओ शिट भाई साहब कितने बंदे हैं भाई, ये तो डायरेक्ट। ओ शिट भाई बे भाई साहब, ये तो डायरेक्ट पानी के अंदर जा चुका है ये बंदा। बे यार कहिए इधर ही नहीं, निकल तो जाएंगे हम। ओ शिट भाई 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 भाई, कैप्टन तो निकल गया भाई, कैप्टन इज प्रो प्लेयर, बट हम कब निकलेंगे? चलो भाई ये भी निकल चुका है ओपी भाई, यही तो करना था बस। चलो निकल गया, इसका मतलब कुछ तो होगा इस तगड़ा सीन, क्योंकि इतना बड़ा अगर ये निकल चुका है तो कोई तो होगा जो मतलब कुछ कुछ तो तगड़ा होने वाला है। ओपी आँख खुल चुकी है, आई थिंक ये लेक के साइड में पड़ा होगा, लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ हाँ वो ब्रिज से भाई इसको ढूंढ रहे, भाई बंदे भी आ रहे हैं, भाग शिट ओपी
अबे ये कौन है भाई? शिट भाई, नहीं 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 ये मार नहीं रहा है हमें। शन ओपी भाई, ये कहीं तो लेके आया है हमें। ओ भाई भाई साहब, फाइनली ये हमें कहीं। अबे इसने हाथ बांध कर रखा है हमारा। शिट, ये क्या हमारा कुछ कर रहा है क्या? हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, ये कहीं का कैप्टन लग रहा है मेरे को। आई थिंक ये भी एक पुलिस वाला है, रेडियो बता रहा है। भाई साहब हमारे हमको बोल रहा है भाई तुम मेरे बेटे जैसे हो, ठीक है, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। और अबे प्रवचन नहीं चाहिए भाई। ओपी, अबे हमें मारेगा क्या? ओ भाई चलो भाई, हाथ खोल रहा है बच्चा, बेटे जैसा का है तो मारेगा थोड़ी। चलो भाई साहब हमें कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें पूरा का पूरा रेडी करता हूँ, फटाफट से तुम जाके अपने ड्रेस चेंज कर लो और फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो फिर मेरा आ जाना कैबिन, कैबिन में आने को कह रहा है, तो फटाफट से हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं फिर उसके बाद जाएंगे अपन कैबिन में, ठीक है? तो ड्रेस कहाँ चेंज करना पड़ेगा गाइस, जल्दी जल्दी से भाई ड्रेस चेंज करते हैं फिर उसके बाद जाएंगे उसके पास और वो हमें कोई भी काम देगा। चलो भाई ये रहा ओपी, आई थिंक ये वाला ड्रेस पहनना चाहिए। हाँ ये सही है गाइस। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी से, कैसा लगा ड्रेस कॉम्बिनेशन फटाफट से कमेंट में बताना। बट अभी चलते हैं उसके पास, फिर उसके बाद हमें कुछ टूल्स भी ढूंढने जाने बाहर, क्योंकि उसे मारना है तो अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी ना वापस से, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़ा सीन हो चुका है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर हमला करवाया, हमने फुल विश्वास रखा था उसके ऊपर, बट गैंगस्टर है तो गैंगस्टर से तो मतलब समझ ही होगा आप लोग क्या करना चाहिए। चलो भाई कैबिन तो बहुत सही है इसका भाई साहब, ओके। और एक की हेल्प करना अगर कोई दिख जाए हमारे मेंबर जैसा तो। और ये लोग गन यहाँ से लेने को कहा, इसने गन भी है और एक की भी है। चलो भाई साहब वे कह रहा है जाके तुम बाहर जाओ और फिर जाके जो भी मिले उसे उठा लेना, और बहुत जगह का इसने लोकेशन दिया है तो उस लोकेशन पे जाके हम लोग को चेक करना है, ठीक है? तो चलते हैं जल्दी जल्दी से भाई। वैसे जाना कहाँ है हम लोग को भाई? इतना भूल भुलैया जैसा घर है ना, क्या ही बोलूँ ओपी। स्ट्रे चढ़ गए भाई साहब, इतना अंधेरा काय को है रे भाई? अबे इतनी रोशनी क्यों है भाई? ओपी भाई साहब ग्राफिक इज बेस्ट भाई, क्या ही तगड़ा सीन है बे, ओ तेरी की। अच्छा तो एक बंकर केव के अंदर थे हम लोग भाई, अंडरग्राउंड। ओ भाई साहब चलो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बट प्रॉब्लम्स को फेस करना है हमें भाई साहब। और हमें उसने गन भी दिया है तो फटाफट से गन निकालते हैं। ओ तेरी की भाई साहब, चलो बंदे किधर है बे? सो गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कोई तो है, कोई तो है यहाँ पर, बट अभी ओपी भाई लीक है, लीक की आवाज़ आ रही थी भाई। ग्राफिक्स देख रहे हो यार, क्या ही सीन है भाई, ये देखो यार क्या मस्त लग रहा है भाई साहब। चलो ओपी भाई वार्निंग दे रहा है, ये भाई निकल जा मर जाएगा तू, तरप के मर जाएगा ओपी, कोई बात नहीं। चलो भाई जल्दी जल्दी चल चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो यहाँ पे है जो गोली चला रहा है भाई साहब। ओ हो, उस बंदे के पास डायमंड है जो कि हमें लेना है, और हम इससे बात करते हैं आराम से। अबे गोली अबे तेरी, मैं इससे आराम से बात करने गया था, बट ये बंदे को भाई सवर ही नहीं। अपने बिनोक्युलर्स निकाल के देखता हूँ भाई साहब क्या करना क्या चाह रहे ये लोग। आ जा बच्चे आ जा, रुको अभी तुमको गन से ठोकता हूँ मैं। मतलब आराम से कोई बात हो ही नहीं सकती है ना, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग उनके गैंग के बंदे, बट उनके गैंग के नहीं है। अरे भाई तू तो हेडशॉट लेगी, ले चल निकल भाई साहब। ये होता है ना भाई, मतलब आराम से बात बन रही है तो बना लो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठोकना तो पड़ेगा एक दूसरे को ही। बट फर्स्ट क्राई गेम तगड़ा था और ये वाला भी तगड़ा है और बहुत ही मज़ा आने वाला है गेम में, तो देखते रहो बस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब लाइक कर देना। तो अभी इसको फटाफट से आज़ाद करते हैं, बेचारा तड़प रहा है, बुला रहा है मेरे को, भाई हेल्प करो मेरी। आए हाय भाई बंदे ने तो भाई बहुत ही गंदा सीन कर दिया, इसको ठोक देते अगर मैं थोड़ी देर पहले नहीं आता तो। ओहो हाँ हाँ बच्चे तू हमारा बच्चा जैसा, इसलिए हमने तेरे को बचा दिया। चल 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 भाई, बाय बाय ओपी। ओपी भाई ऊपर में घर है, चलो ऊपर चलते हैं फटाफट से। आए हाय
भाई मौसम है सुहाना बट जिंदगी है बहाना। क्या था भाई, बहुत ही तगड़ा। ओपी ऊपर चलते हैं, बस सीधे रास्ते से इसको ऊपर नहीं जाना है। चलो भाई, किसी तो कैप्टन का घर लग रहा है मेरे को। कैप्टन का नहीं है, उनका ही है, उनका उनके यहाँ का लोगो देखा आपने भाई साहब? अच्छा तो यहाँ पे एक मेन्यू लिखा हुआ है, रीड करना है। ओके सो गाइस, तो इसमें लिखा हुआ था यार कि मतलब कटाई शुरू हो चुकी है, और फादर ने कहा है कि जड़ बना के रखना, मतलब फादर ने कहा है कि उनकी बातों का भरोसा रखना और उन्हीं की बातों पे चलना आगे भी, ठीक है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो भाई मतलब अभी मतलब कटाई शुरू हो चुकी है, बट किस चीज़ की ये समझ में नहीं आया मेरे। कटाई शुरू हो चुकी है, ये कोई पहेली जैसा लग रहा है मेरे को, सीरियसली। ओके तो ये रहा, आई थिंक ये क्या है। अब क्या यहाँ पे भी कोई रहता होगा? ओ भाई घर भी है, केप भी है अंदर में। ओपी इसको रीड करते हैं, चलो। ओहो ओके ओके सो गाइस, तो इसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं तो यहाँ आ चुका हूँ बट मेरे से अंडरग्राउंड में बहुत चीज़ें मैं नहीं ढूंढ पाया, बट तुम जाओ और तुम जाके ढूंढो, और यहाँ पे एक पाइप है और आगे जो केव था ना उस पाइप के ज़रिए तुम्हें वो वाला चैम्बर नीचे करना है डाउन, और फिर यहाँ के अंदर का सारा पानी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब पूरा पानी भरा हुआ है। उसी की गलती थी और उसने एक पाइप को तोड़ दिया है जिसकी वजह से इसके अंदर पानी भर चुका है, ठीक है। और वो जो पीछे वाला हाउस था, सॉरी पीछे वाला क्या कहते हैं उसको, जो भी हो हाउस जैसा कुछ, वहाँ पे ना एक चैम्बर है, उसे हम लोग को खींचना है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ का सारा पानी आ जाएगा बाहर। क्या ऐसा ही है? उसमें इतना सा लिखा था तो मैंने बस आप लोग को बताया, बट देखते ऐसा करके। ओपी और बट यहाँ पे ना एक की लगेगी, जो कि की उसके पास नहीं थी, ऐसा भी उसमें लिखा हुआ था। और अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसमें ज़्यादातर है ना ब्रेन का यूज़ होता है, मेरे को जहाँ तक पता है भाई, क्योंकि ओहो तो इसमें लॉक लगा है भाई, की चाहिए इसके लिए। शिट, ओ हो, कुछ चेक किया आप लोगों ने गाइस? रुको 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 रुको, दूर से जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नीचे से भी रास्ता है। ओहो ऐसी बात है क्या भाई साहब, सिस्टम है क्या? चलो भाई फाइनली, बट यहाँ पे कहाँ कौन सा चैम्बर हमें डाउन करना है बे? है कहाँ पर कोई कोई तो चैम्बर नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे भी। बे भाई साहब ये डोर तो अभी भी लॉक है, वो तो लॉक रहेगा ही। ओपी फाइनली दिख चुका है हमें, जल्दी से जाके उस चैम्बर को करते हैं डाउन और फिर वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि करना क्या है। ओपी ले भाई, क्या वहाँ का सारा, चलो लोकेशन भी आ चुका है कि भाई तेरे को उधर जाना है, चलो चलते हैं जल्दी से भाई साहब, क्या कर सकते हैं अबे। ओपी भाई मतलब ग्राफिक एकदम सही है, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, क्या जंप भाई साहब। बस वहाँ पे ना उस घर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है सीक्रेट, इसलिए वो नहीं खुल रहा है। और इस घर के अंदर जो सीक्रेट चीज़ है ना वो हमें मिलने के लिए मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट अभी जो है ना आई थिंक मेरे ख्याल से, चलो पानी भी जा चुका है। और ओ भाई चलो फाइनली भाई, इसके अंदर से मैं पहले गया था ना तो मेरे को $750 मिले थे, ठीक है रुपए। और चलो पानी भी जा चुका है भाई इसके अंदर का, चेक करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डोर के पीछे ना कुछ तो तगड़ी सी चीज़ है, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। और अगर वो अभी भी ओपन नहीं हो रहा तो भाई साहब कुछ तो है तगड़ा भाई, गोल्ड ही गोल्ड है मेरे को ऐसा लग रहा है पीछे। ओ भाई ये सारे ओपन्स नहीं हो रहे। सो गाइस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डोर के पीछे ना कुछ तो तगड़ी चीज़ है और वो इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो इस वाले एपिसोड में गाइस इतना ही, तो मिलते अगले नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय गाइस, और अगला एपिसोड बहुत ही तगड़ा होने वाला है।